2024 में योगी की प्रधानमंत्री की उठी मांग तो मुस्लिमों की राय ने सबको चौंका दिया। मोदी के गढ़ वाराणसी में रिपोर्टर का सबसे तगड़ा सर्वे। इस बार 2024 के चुनाव में आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भाई हमारे जो सांसद मोदी जी हैं वही रहेंगे तो बेहतर रहेगा 24 में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, आप क्या मानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए? भाई वो लखनऊ के लिए सही है, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी सही है। मोदी को या योगी को? योगी जी को। 24 में आप योगी जी को चुनना चाहते हैं, ऐसा क्यों? योगी जी का काम अच्छा है, मोदी जी से अच्छा काम योगी जी का है। तो इस बार मतलब इतनी 24 के लिए उनको भेजना क्या सही रहेगा? सही रहेगा भाई। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 24 के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको लखनऊ तक ही रहना चाहिए, आपकी क्या राय रहेगी? हमारी राय है कि दिल्ली पहुंच जाएं वो। दिल्ली पहुंच जाए, काम किया है योगी आदित्यनाथ? हाँ काम बहुत किया है। प्रधानमंत्री ने काम किया कि नहीं संसदीय क्षेत्र? प्रधानमंत्री ने काम किया, बहुत काम किया। स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके काशी में कैसा है माहौल? स्वच्छ काशी है? स्वच्छ काशी है, एकदम साफ। गंगा जमुनी तहजीब की शहर भी मानी जाती है चाचा, ये क्या लगता है? आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, यहीं के निवासी हैं, कितना गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ? ठीक है, तहजीब में तो कोई कमी नहीं आई, जो रही पहले वो भी है, उसमें नहीं कोई बात है। जी आपका क्या नाम होगा भाई साहब? जी मोहम्मद शकील हमारा नाम है। मोहम्मद जी 2024 का चुनाव आने वाला है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। क्या ऐसा कुछ खासियत है जिसकी वजह से? उनके में सलाहियत है, वो चला सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी सेंट्रल नहीं चला सकते। योगी जी को अभी लखनऊ में ही रहना चाहिए? लखनऊ में ही रहना चाहिए। इस बार जनता कितना खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? करीब करीब 80% जनता जो तो उनसे खुश है। आप पीएम का सांसदीय क्षेत्र है, आप भी वाराणसी में रहते हैं, कितना बदलाव हुआ है? बहुत, काफ़ी बदलाव हुआ है, हर तरफ चौरीकरण हुआ है, हर तरफ जो तो विकास का काम दिखाई दे रहा है, साफ सफाई का काम दिखाई दे रहा है। अच्छा स्वच्छता की बात की जाती है तो स्वच्छता उस तरीके से है, क्योंकि तमाम विपक्ष दलें जो हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी तक साफ सफाई के तौर पे जैसा कि उन्होंने कहा था वो अभी तक नहीं किया, उस पर आपकी क्या राय है? किया है प्रधानमंत्री ने, किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो मतलब 24 के लिए आपने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री का ही चेहरा, मतलब नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा रहना चाहिए? हाँ प्रधानमंत्री के योग्य है वो। तो इस बार टक्कर की लड़ाई भी देखी जा रही है, विपक्ष दलें भी अपनी मजबूती बना रही है लगातार। विपक्ष तो लड़बे करेगा, मजबूती देखी जा रही है, क्या इस बार कुछ बदलाव नहीं हो सकता? क्या लगता है बदलाव हो जाएगा, क्या जनता बदलाव कर देगी? इस बार प्रधानमंत्री भी नहीं रहे नरेंद्र मोदी और सांसद भी न रहे, ऐसा कुछ अगर हो गया तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सांसद वही रहेंगे अगर वो लड़ते हैं तो। अब उनकी जगह अगर पार्टी ने बदल दिया तो दूसरा सांसद आ सकता है। मतलब आप लोगों की राय अगर मान ली जाए तो प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी बेस्ट है, बेस्ट है, और लखनऊ के लिए योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए बेस्ट है। योगी जी ने काम किया यूपी में? यूपी में उन्होंने भी काम किया, बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया जी बिल्कुल। तो ये चाय की दुकान है और ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, और काशी की जनता है बेबाक तरीके से बतियाती है।